हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तुम लोग तो रिसर्चर हो और तुम लोग वैक्सीन को लाने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है, अब इन नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को कैसे बताएं कि ये एक मैगी बनाने लायक उतना आसान नहीं कि आप जस्ट पानी उबालिए और पानी में मैगी डालिए और 2 मिनट में मैगी तैयार। तो दोस्तों, मैं इन नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और ये कैसे एक्ट करता है ह्यूमन सिस्टम पे, और साथ ही साथ हम लोग जो वैक्सीन है वो कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ जो डिफरेंट मेथड है वैक्सीन बनाने के, और इसका कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वायरस क्या है। तो वायरस क्या है, ये एक न्यूक्लियोकैप्सिड मॉलिक्यूल है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरली जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो वायरस क्या होता है, ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इसकी आउटर सरफेस से प्रोटीन की जो स्पाइक्स निकली हुई होती हैं, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये ह्यूमन सेल्स में कैसे एंटर करता है। तो सपोज अब वायरस जो है आपकी बॉडी के अंदर गया, तो वायरस जो है वो कैप्सूल के फॉर्म में ट्रेवल किया और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद क्या होता है, जो इसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली आप समझ सकते हैं, ये जैसे लॉक एंड की मेथड के टाइप में, कि ये डायरेक्टली लॉक एंड की टाइप ये फिट हो जाते हैं हमारे रिसेप्टर्स पे। तो जो वायरस की जो इस प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो जाती हैं बॉडी के अंदर, और जैसे ही वो जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ह्यूमन सेल्स में जो रिसेप्टर है वो उस पर जाके बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जैसे कि लॉक एंड की फिट होता है। फिट होने के बाद क्या होता है, जो वायरल का जो प्रोटीन होता है या वायरल की जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज कर जाती है ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के साथ, और जिसके बाद जो ये वायरस है वो हमारे सेल्स में एंटर कर जाता है। अब जब ये वायरस जो है वो हमारे सेल्स में एंटर कर गया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो बाहर आता है और वो क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने लगता है, यानी कि वो बहुत सी जो कॉपीज है वायरस की वो पेपर बनाने लगता है। अब क्या होता है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मली कि वायरस कैसे एंटर करता है बॉडी सेल्स में और कैसे वो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है और कैसे वो अपनी बहुत सी कॉपीज बनाता है। तो अब क्या होता है, अब बॉडी में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम हमारा है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं। अब इम्यून सेल्स की बात करें तो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो क्या होता है, अब हमारा जो इम्यून सेल्स है वो देखता है कोई वायरस या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया है। अब एंटर करने के बाद ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इन वायरस के अगेंस्ट इन वायरस को किल करने लगते हैं। अब जब ये वायरस को किल कर देते हैं तो उसके बाद ये वायरस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। अब इन स्मॉल स्मॉल पीसेस को ये भेज देते हैं लिम्फोसाइट के पास। अब बी सेल लिम्फोसाइट, अब तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी जनरली प्रोड्यूस होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स। ओके, तो बी सेल्स क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेते हैं, और एंटीबॉडी के साथ साथ बी सेल्स एक और सेल्स लाइक प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल्स। अब मेमोरी सेल्स का फंक्शन क्या है, कि मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि इन एंटीबॉडी को, सपोज अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन होता है सेम वायरस का सेम स्ट्रेन का, तो ये मेमोरी सेल्स जो है हमारी बॉडी हमारी ब्लड में कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि ये मेमोरी सेल्स बी लिम्फोसाइट को बोलते हैं कि ये सेम वायरस है जो हमें ऑलरेडी पहले इन्फेक्ट कर चुका है। तो बी सेल्स क्या करते हैं कि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम समझ सकते हैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लोग जैसे देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो क्या होता है कि जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं सर्दी गर्मी से आते हैं या उनका जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है जो इनके अंदर ये कॉमन कोल्ड हो जाता है, कि सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। तो क्या होता है कि जैसे ये भी एक टाइप का फ्लू है, तो क्या होता है जैसे ये वायरस एंटर करता है बॉडी में, फिर रिसेप्टर के थ्रू ये जो वायरल मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करती है ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के साथ, फिर वायरस एंटर करता है, जेनेटिक मटेरियल उसका बाहर आता है, फिर वो रेप्लिकेट करता है, जिससे क्या होता है कि वो बहुत सी कॉपी बना लेता है। सेम वे में नेचुरल किलर सेल्स यानी कि हमारे इम्यून सेल्स जो हैं, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, ये इन वायरस को किल कर देते हैं। इन वायरस को किल करने के बाद सेम वही प्रोसेस होता है, ब्रेक कर देते हैं पीसेस में वायरस को, फिर बी लिम्फोसाइट से बोलते हैं कि आप इसके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाइए, और साथ ही साथ मेमोरी सेल्स बनते हैं। फिर अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है यानी कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको सपोज रिकवर होने में 4-5 दिन लग जाते हैं, तो 4-5 दिन लग जाते हैं, फिर क्या होता है कि आप रिकवर हो जाते हैं, उसके बाद अगेन अगर सपोज
आपको 3-4 दिन बाद फिर से यही आप इसी इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो क्या है, जो क्या बोलते हैं मेमोरी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो एंटीबॉडीज वो कुछ दिनों तक ऑलरेडी जो ब्लड स्ट्रीम में क्या मूव करती रहती हैं। तो जैसे ही आप दोबारा इस इन्फेक्शन में आते हैं या सेम वायरस और सेम स्ट्रेन का, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होता है जो एंटीबॉडीज होती हैं मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज को बोलते हैं कि ये सेम वायरस है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। तब क्या होता है ऑलरेडी बी लिम्फोसाइट को पता है या बी सेल्स को पता है कि ऑलरेडी हम इसके अगेंस्ट पहले ही एंटीबॉडी बना चुके हैं, तो ये क्या करता है फिर से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है। अब क्या होता है पेशेंट को ठीक होने में सिर्फ 1 या 2 दिन लगता है, जहां पहले जो पेशेंट को ठीक होने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि जो पेशेंट को ठीक होने में 1 से 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे पहले इन्फेक्ट हो चुका है और हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। तो एज सुन एज इन्फेक्शन होता है वैसे ही हमारी बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, और ये कि एंटीबॉडी क्या करती है, ये जो प्रोवाइडस है उसके प्रोटीन्स पे जाके बाइंड हो जाती है, ये एक वाई शेप्ड एंटीबॉडी होती है, वाई शेप्ड एंटीबॉडी होती है, और ये बाइंड कर जाती है वायरस के प्रोटीन के साथ, जिससे क्या होता है वायरस जो है हमारी बॉडी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। जब एंटर नहीं कर पाता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सेल्स है वो इजिली उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एक एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस का। अब बात करते हैं हम कोरोना वायरस की। अब ये कोरोना वायरस क्या है, ये क्या है एक नोवेल वायरस है। अब इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। इसका भी सेम प्रोसेस है, ये वायरस जो एक कैप्सूल की फॉर्म में बॉडी में आता है, आने के बाद अब हमारी बॉडी में ये जो वायरस है ये क्या करता है लंग्स में जाता है, यानी कि लंग्स में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। तो क्या होता है ये जो वायरस है ये ACE2 रिसेप्टर से इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो बाइंड कर जाता है, बाइंड करने के बाद जो ACE2 रिसेप्टर के थ्रू ये लंग सेल में एंटर कर देता है। अब एंटर कर जाता है फिर क्या होता है ये अपना जो आरएनए है उसे वो आरएनए बाहर आता है, वो रेप्लिकेट करता है और बहुत सारी कॉपीज बनाने लगता है। तो अब बात करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम की। तो जैसे आपने देखा होगा जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और उनके अंदर जो ACE2 रिसेप्टर्स है वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनका इम्यून सिस्टम वीक है। अब ये वायरस क्या कर रहा है ये अपनी कॉपीज बना रहा है, अब उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होता है उनका इम्यून सिस्टम जो है जो ओल्डर पीपल का है वो उनसे उतनी देर तक लड़ नहीं पाता, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा टोटली न्यू वायरस है, कोरोना वायरस नोवल वायरस, बिकॉज हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो क्या होता है हमारा बॉडी जो है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता, और अगर फाइट कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब जो ओल्डर पीपल हैं वो क्या हो रहा है 6 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर उनका इम्यून सिस्टम जो है ट्राई कर रहा है उस वायरस से अगेन फाइट करने को, लेकिन वो उससे जीत नहीं पा रहे हैं, ठीक। इसे हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आपका कोई सिस्टम है, सिस्टम में एंटीवायरस है, ठीक है, उसके बाद आपने कोई पेनड्राइव लगाया, ठीक है। अब सपोज उसमें कोई नया वायरस है, ठीक है, अब क्या होता है अब उन अगर आपने अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं किया है तो क्या होगा ये जो वायरस है नया वाला ये आपके सिस्टम में घुस जाएगा, आपका एंटीवायरस भी इसे मतलब किल नहीं कर पाएगा, इसे एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस सिस्टम को अपडेट नहीं किया है और आपके सिस्टम को नहीं पता है कि ये नया वायरस है। तो वो क्या करेगा वायरस आपके सिस्टम में चला जाएगा और फिर वो डिफरेंट फाइल्स जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स उसे करप्ट कर देगा, आपके सिस्टम में एंटीवायरस होने के बावजूद भी आप उस वायरस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं जब तक आप सिस्टम को अपडेट ना करें। तो इसमें भी यही है, अब जो ये वायरस है ये एडल्ट्स में, अब एडल्ट्स में क्या होता है जो नंबर ऑफ जो एडल्ट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, यानी कि सपोज क्या होता है कि अगर ये वायरस है इस वायरस के अगेंस्ट हमारा जो एडल्ट इम्यून सिस्टम है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो 7-8 दिन वो फाइट करता रहा, उसके बाद क्या होता है ये जो क्या बोलते हैं ये तो हमारे इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, मतलब कि नोवेल है हमारी बॉडी में, इसके कोई एंटीबॉडी नहीं, तो हमारा जो इम्यून सेल्स है न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स मैक्रोफेजेस मास्टफेजेस और साथ ही बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, ये क्या करेगा इसके वायरस इस वायरस के अगेंस्ट जो है कंटिन्यू फाइट करता रहेगा। अब टाइम के पास होते होते क्या करेगा ये इस वायरस को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इस वायरस को ब्रेक करना स्टार्ट किया, अब क्या हुआ इसने कुछ पीसेस जो हैं वायरसेस के वो भेज दिए बी सेल्स के पास, अब बी सेल्स क्या करते हैं वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, तो बी सेल्स ने क्या किया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दिया, साथ ही साथ मेमोरी सेल्स बना दिए। अब मेमोरी सेल्स का फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आप दोबारा सेम वायरस या सेम स्ट्रेन के साथ इन्फेक्ट होंगे तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यू हमारी बॉडी में स्प्रेड करते रहते हैं,
मतलब पूरे ब्लड में जो है फ्लो करते रहते हैं। अब जहां इन्हें लगता है कि ये सेम वायरस से फिर से हमारी बॉडी में अटैक हो रहा है, तो ये फिर से बी लिम्फोसाइट के पास आएंगे और बी लिम्फोसाइट को बताएंगे कि ये सेम वायरस है जिसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाई है, तो आप दोबारा एंटीबॉडी बनाइए और इस वायरस को किल कीजिए। तो ये एक बेसिक जो प्रोसेस है कि हमारा इम्यून सेल कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं हम लोग की वैक्सीन के बारे में, ठीक है, कि वैक्सीन कैसे बनती है। तो वैक्सीन का काम क्या होता है, नॉर्मली बी सेल से एंटीबॉडी बनाना। इसी प्रोसेस को जब हम आर्टिफिशली करते हैं तो उसे वैक्सीनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अब क्या होता है, वैक्सीन बनाने के लिए क्या होते हैं, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक मेथड हो गया आपका प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, दूसरा मेथड हो गया आपका एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन, और जो तीसरा मेथड है जो रिसर्च जिस पे चल रही है वो है ब्लड प्लाज्मा बेस्ड वैक्सीन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए बेस्ड, वो सॉरी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन में इन्फेक्टेड पीपल से क्या होता है कि हम लोग आइसोलेट करते हैं वायरस को, फिर उसके प्रोटीन को डिफरेंट पीसेस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद इससे हम लोग को 15 to 20 टाइप्स की वैक्सीन बना सकते हैं। अब इन पीसेस को हम लोग क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं हेल्दी पर्सन में, ठीक है। अब हम लोग जब हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया इस प्रोटीन को, तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अगे उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है। हालांकि हम लोग अनहेल्दी मतलब कि अनहार्म जो प्रोटीन होता है उसे इंजेक्ट करते हैं ताकि ये हमारी बॉडी उसे देख सके कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल आया है, तो हमें इसके अगेंस्ट जो है कुछ एंटीबॉडी प्रिपेयर करना है। तो क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है, फिर हमारे आते हैं इम्यून सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। वो क्या करते हैं, इसके इस प्रोटीन के अगेंस्ट इस प्रोटीन को किल करने लगते हैं और इसको जो है पीसेस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रेक करने के बाद फिर से वही प्रोसेस होता है, बी लिम्फोसाइट के पास इसके कुछ पीसेस भेज देते हैं कि बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाता है, फिर वही मेमोरी सेल्स बनाता है। तो एक तो ये मेथड हो गया ताकि अगर दोबारा यही वायरस से इन्फेक्ट हो तो उसके बॉडी हमारी जानती रहे कि ये जो वायरस है ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में एक बार आ चुका है और हम लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बना चुके हैं। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन का। अब दूसरा जो है वो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। तो इस एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन में क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं जो वायरस है उसका जो सीक्वेंस है, जीनोम सीक्वेंस ऑलरेडी कर लिया गया है, चाइना ने सबसे पहले इसका जो जीनोम है उसे सीक्वेंस किया था। तो अब हमें पता है कि इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड बेस्ड सीक्वेंस है, अमीनो एसिड कौन कौन सी पोजिशन पे प्रेजेंट है। तो हम लोग करके क्या करते हैं, लैब में आर्टिफिशियली एमआरएनए सिंथेसाइज करते हैं। अब क्या होता है, ये एमआरएनए सिंथेसाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इस एमआरएनए को हम लोग हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये एमआरएनए बॉडी में एंटर करता है, एंटर करने के बाद क्या होता है, ये होस्ट सेल में एंटर करता है, होस्ट सेल में एंटर करने के बाद फिर क्या होता है, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। यानी कि एमआरएनए अब क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब फिर प्रोटीन बनाएगा, अब हमारी बॉडी जब देखेगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है या न्यू पार्टिकल है तो वो उससे बचने के लिए अपना इम्यून जो सिस्टम है उसे एक्टिवेट करेगी। फिर तुम्हारे नेचुरल किलर सेल्स आएंगे, इम्यून सेल्स मतलब नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब आएंगे। तो ये सब क्या करेंगे, उसको फिर पीसेस में ब्रेक कर देंगे, उसे किल कर देंगे। अब फिर पीसेस को क्या होगा, वो लिम्फोसाइट में जाएगा। प्रोसेस सेम है, जो प्रोसेस जो हमने प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन में देखा प्रोसेस सही है, लेकिन जो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है ये बहुत ही फास्ट है। तो मतलब जैसे ही जैसे क्या बोलते हैं ये पीसेस में ब्रेक होगा, फिर बी लिम्फोसाइट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी सेल्स बनाएगा, ताकि दोबारा अगर इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी को पता रहे कि ये जो वायरस है ये हमारे लिए नोन हो चुका है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा उस वायरस पे और उसे एलिमिनेट कर देगा हमारी बॉडी से। तो अब हम बात कर रहे थे थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप क्या है, ये है ब्लड प्लाज्मा बेस्ड वैक्सीन। अब क्या होता है कि बहुत से पर्सन हैं जो इन्फेक्टेड थे लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग है, मोस्टली हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स की जो 18 से 40 ईयर्स के बीच है, तो उनमें क्या है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है। तो उसने क्या किया है, तो उन्होंने इस वायरस के अगेंस्ट फाइट किया है और उन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया है और उस वायरस को एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्या है, रिकवर्ड हो पाए हैं। अब क्या होता है कि अगर हम उन पर्सन का जो रिकवर्ड पीपुल हैं उनका प्लाज्मा ले लें या उनकी एंटीबॉडी ले रहे हैं और दूसरे पर्सन में इंजेक्ट कर दें, तब क्या होगा। तो मोस्टली अभी रिसर्च ये चल रही है कि, लेकिन ये ग्लोबली करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप किसी रिकवर्ड पर्सन से उनका एंटीबॉडी ले रहे हैं या उसका ब्लड प्लाज्मा ले रहे हैं तो अभी अभी तो वो
बेचारा वायरस से लड़ के आया है तो उसकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होगी। अगर हम उससे एंटीबॉडी या प्लाज्मा ले लेंगे तो उसे बहुत ही वीकनेस हो जाएगी और उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये हम कब कर सकते हैं, अगर सपोज आप एक फैमिली में तीन चार पीपल जो हैं, 3 to 4 पीपल वो इन्फेक्टेड है, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पीपल जो एक पर्सन जो रिकवर हुआ है उसका एंटीबॉडी या प्लाज्मा निकाल के हम लोग दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2-3 लोगों के केस में ही हो सकता है। अगर आप अब आप कहें कि आप पूरे दुनिया में अगर यही प्रोसेस करें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो ब्लड प्लाज्मा है जो आप रिकवर्ड पर्सन से लेंगे या एंटीबॉडी है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकती तो इसे सिर्फ एक स्मॉल पीपल में या स्मॉल ग्रुप में ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि भाई 3-4 पर्सन के में ही इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये 3 मेथड हो गए वैक्सीन बनाने के। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीन जो है ऑलरेडी बहुत सारी लाइक कंट्रीज ने वैक्सीन को बना ली है और उसके जो ट्रायल ऑलरेडी चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये वैक्सीन का जो ट्रायल है सबसे पहले वो एनिमल्स पे ट्रायल किया जाता है, चाहे वो रैट्स हो चाहे मंकीज हो। लेकिन इस कोरोना वायरस की महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही कि जो लोगों ने क्या किया, वो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये स्टेप को स्किप कर दिया है, मतलब कि जो रैट्स या जो एनिमल्स पे ट्रायल चल रहे हैं उसे स्किप करके उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, हेल्दी पर्सन पे वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब हेल्दी पर्सन पे ट्राई कर रहे हैं यानी कि डायरेक्टली ह्यूमंस पे। अब जैसे कि अमेरिका में ऑलरेडी जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब इस वैक्सीन को मार्केट में आने में कितना टाइम लगेगा, तो भैया इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मिनिमम कोई भी वैक्सीन है अगर वो मार्केट में आती है तो उसे मिनिमम 12 to 18 मंथ लगता है, मिनिमम 12 to 18 मंथ लगता है। तो इसीलिए कई की कंट्री में क्या किया गया कि लॉकडाउन कर दिया है, 3 महीने का, 4 महीने का, कहीं 5 महीने का, कहीं 6 महीने का लॉकडाउन कर दिया गया। वो इसीलिए कर दिया गया कि जिससे कि जो हमारे जो लोग हैं वो कम इन्फेक्टेड हों, जिससे कि अगर वैक्सीन फ्यूचर में आए तो उससे उन सबका इलाज किया जा सके, ठीक है। तो अब इस वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जब इसका देखना पड़ता है कि क्या ये इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अब इसकी एफिकेसी कितनी है, कितनी कि सपोज अगर 100 लोगों में इंजेक्ट कर रहे हैं तो कितने लोग इससे सही हो रहे हैं या किस कितने लोगों पे ये काम कर रहे हैं। अगर सपोज 100 लोगों पर इन्होंने इंजेक्ट किया उसमें अगर 4-5 पे ही काम कर रही है ये वैक्सीन, तो वैक्सीन बेकार है, समझ रहे ना आप। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसकी एफिकेसी भी चेक करनी पड़ती है, फिर इसका जो साइड इफेक्ट देखना पड़ता है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कि सपोज अगर मान लो आप किसी को बचाने जा रहे हैं उल्टा आप किसी को मार दे या उसके अंदर कोई और डिजीज कॉज कर दे, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो होता है FDA से अप्रूवल लेना, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसको मार्केट में आने से पहले जो FDA है उसे अप्रूव करना पड़ेगा। अगर FDA अप्रूव करेगी तभी ये जो वैक्सीन है वो मार्केट में आएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, तो मिनिमम इस वैक्सीन को आने में मिनिमम 12 to 18 मंथ तो लगने ही वाले हैं। अब सपोज ये वैक्सीन जो आ गई ये मार्केट में आ गई, ठीक है। अब ये जो कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना वायरस है, ये इतनी जल्दी तो ये एलिमिनेट होने वाला नहीं वर्ल्ड से, तो क्या होगा कि इस वैक्सीन की ज़रूरत सबको पड़ने वाली है इन फ्यूचर सबको। जैसे कि हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी का जो टीका है हम लोग को बच्चों में लगा दिया जाता है ताकि उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जो है प्रोड्यूस रहे, और साथ ही साथ हमारा बॉडी जाने अगर आगे चल के हम लोग को हेपेटाइटिस बी टाइप कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हो हमारे शरीर में और हमारा शरीर जो है उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। अब जब हमारे शरीर उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा तो उसके अगेंस्ट वो ऑटोमेटिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और उस वायरस को एलिमिनेट कर देगा। तो ठीक उसी तरह क्या होगा कि हमारा जो ये कोरोना वायरस जो है इसकी वैक्सीन अगर मार्केट में आती है तो उसका भी जो है टीकाकरण जिसे बोलते हैं या वैक्सीनेशन वो सबको लेना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी को पता रहे कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस ये नया नहीं है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस हैं, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग। तो क्या होगा, इस जैसे ये मार्केट में आएगी तो इसका जो वैक्सीनेशन मोस्टली वो सबको लेना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ले, ताकि अगर फ्यूचर में अगर हमें इस नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होता है तो ऑटोमेटिक जो हमारी जो एंटीबॉडी बी सेल्स हैं वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें और इसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों माई आई होप दैट मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मैंने इसमें आपको वायरस वायरस का स्ट्रक्चर, हाउ वायरस मल्टीप्लाइज एप्लीकेट और दैट हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू मेक वैक्सीन्स, ये सब मैंने आपको इसमें समझाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।